नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः टाइप तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं गौरव निरंजन इसी उम्मीद के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप लोग तैयार होंगे शिक्षक बनने के लिए और हमारी टीम भी तैयार है आपको शिक्षक बनाने के लिए। हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़ने के लिए एक छोटी सी प्रक्रिया, पहले उस प्रक्रिया को बता देता हूं, उसके बाद हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, अच्छा से हम देशांतर इतने यूनिक और इतने बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा, आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि गौरव सर से मैं पहले अच्छा से और देशांतर क्यों नहीं पढ़ा। तो एक छोटी सी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को पहले समझ लीजिएगा। प्रक्रिया ये है, ये हमारा नंबर है, कल रवि सर और आलोक सर के द्वारा आपको एक नंबर जारी किया दिया गया था, लेकिन किसी कारणवश तकनीकी समस्या के कारण वह नंबर नहीं काम कर पा रहा है। तो जिन लोगों ने पहले भी मैसेज किया है उन लोगों से एक निवेदन है, वो पुनः दोबारा से इस नंबर पर 9125423969, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 9125423939 3936, इस पर आपको एंट्री सुपर टेट या एंट्री एस्टेट लिखकर भेज देना है। हमारी टीम, हमारे काउंसलर आपसे कांटेक्ट करेंगे और एडमिशन की पूरी प्रक्रिया आपको समझा दी जाएगी। टारगेट तालुक ऑनलाइन टीम तैयार है और आप भी जल्दी से तैयार हो जाइएगा नए कीर्तिमान को हासिल करने के लिए और इतिहास दोहराने के लिए। हमने पिछली बार भी सुपर टेट का बैच संचालित किया, सफलतम पूर्वक संचालित किया गया और उसमें हम लोगों ने 95% सिलेक्शन दिया। दुर्भाग्य की बात यह रही कि 69,000 वैकेंसी वो लटक गई। वैकेंसी जैसी पूरी हो जाती है, कोशिश की जाएगी संस्थान की ओर से कि आप लोगों को उन बच्चों से मिलवाया जाए, उन शिक्षार्थियों से मिलवाया जाए जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया था और अंतिम रूप से चयनित हो गए। तो आप भी मौका मत गवाइएगा, आइएगा हमसे जुड़िएगा और अपनी तैयारी को आरंभ कर दीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर लिखा है 9125423936, एंट्री सुपर टेट लिखकर आपको सेंड कर देना है, एडमिशन की प्रक्रिया समझा दी जाएगी। आइएगा स्टार्ट करते हैं अच्छांश और देशांतर, ठीक ना, स्टार्ट करते हैं हम लोग अच्छांश देशांतर। इस परीक्षा के लिए जो समय निर्धारण है, इस परीक्षा का जो समय निर्धारण है, समय वो परीक्षा समय की बात करते हैं अगर हम, तो परीक्षा के लिए समय निर्धारण किया गया है 2.5 घंटे और इस 2.5 घंटे की परीक्षा में प्रश्न आपसे 150 पूछे जाने हैं और इनका पूर्णांक भी 150 रहेगा। अगर 2.5 घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 150 मिनट, 150 प्रश्न और 150 पूर्णांक, मतलब एक मिनट में एक नंबर आपको अर्जित करना है। उद्देश्य तो ये है, 150 नंबर तो नहीं संभव है, कोई भी परीक्षा में 150 मतलब जितना पूर्णांक हो उतना तो नहीं संभव, लेकिन आशा यही रहती है प्रत्येक प्रतियोगी छात्र की कि वो निकटतम स्कोर प्राप्त करे। कई बार देखते हैं आप लोग लिखा रहता है, अब की बार 120 पार, अब की बार 130 पार, तो उम्मीद यही की जाती है कि अच्छे से अच्छा स्कोर करिएगा, बाद में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो ये आपका पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम आपको रवि सर ने पहले ही समझा दिया होगा। तो हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं और जो हमारा टॉपिक है वो यह रहा, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। टॉपिक हमारा है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, तो इसी टॉपिक को हमारे द्वारा आपको कंप्लीट कराया जाएगा, इसमें भूगोल और पर्यावरण का पोर्शन। तो पहला हमारा रहेगा पृथ्वी की संरचना, इसमें हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना है, पृथ्वी के अंदर क्या क्या तत्व पाए जाते हैं और किस प्रकार से उनका निर्माण हुआ। उसके बाद भारत और विश्व की नदियां, यहां केवल नदियां लिखा है तो नदियों से यहां पर तात्पर्य भारत और विश्व दोनों नदियों से है। उसके बाद पर्वत, महाद्वीप, तो महाद्वीप का मतलब विश्व भूगोल हो गया और विश्व भूगोल में ही क्या हो गया, महासागर, महासागर एवं जीव, महासागर में रहने वाले जीव जंतुओं का अध्ययन भी करना होगा। उसके बाद प्राकृतिक संपदा, और प्राकृतिक संपदा में अगर हम बात करते हैं तो प्राकृतिक संपदा के अंतर्गत यहां पर बात हो रही है खनिज संसाधनों की, तो भारत और विश्व दोनों के संबंध में देखना है। अगर आपने टीईटी की परीक्षा दी है प्राइमरी वाले में, एक प्रश्न पूछा गया था इसी वर्ष, भिलाई लोह इस्पात संयंत्र कहां पर है, तो भिलाई लोह इस्पात संयंत्र, हम लोह इस्पात संयंत्र की बात करते हैं, उद्योग कहां लगाए जाएंगे, उद्योग वहां लगाए जाते हैं हमेशा जहां पर ये तो कच्चे माल या ईंधन की निकटता होती है। तो हमें अगर मालूम होगा कि कहां पर कच्चा माल या ईंधन की हमें प्राप्ति हो रही है वहीं पर हम उद्योग लगाएंगे। तो यदि आपने प्राकृतिक संपदा को अच्छे समझ लिया तो उद्योग और रोजगार वगैरह जो दैनिक है वो सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी।
अगला देखते हैं, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अक्षांश और देशांतर रेखाएं, तो हमें पढ़ना होगा ये लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड। उसके बाद सौर मंडल, बेसिकली एक ऐसा टॉपिक होता है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। उसके बाद उसने देखिएगा एक शब्द लिख दिया भारतीय भूगोल, सब कुछ आ गया इसमें, भारत की जनजातियां, भारत के दर्रे, भारत के ग्लेशियर, भारत की परिवहन व्यवस्था, और देखिएगा परिवहन व्यवस्था को फिर इसने एक यहां पर नाम दे दिया यातायात एवं सड़क सुरक्षा। एक बार राजस्थान की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, जैसे वहां पर रीट होता है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना, RSTC का मतलब क्या है। ऐसे आपके यहां होता है सड़कों में, आपने बसों में लिखा देखा होगा UPSRTC, कई बार पूछ लेता है UPSRTC का फुल फॉर्म बताइएगा, इसका मुख्यालय कहां पर है, क्या है इस संगठन, क्या है ये सारी चीजें, कहां पर संकेतक पूछ लिए जाते हैं, संकेतकों के साथ साथ हमारे साथ जैसे TET की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया शायद जूनियर में कि सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है, कई सारे लोग तो रेल परिवहन लगा के हैं, रेल परिवहन नहीं है, सबसे सस्ता परिवहन जो है वो जल परिवहन होता है, ठीक ना, तो यातायात और संचार व्यवस्था में देखना होगा, ठीक ना। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, चुनौतियां, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, इसको भी समझना होगा, पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाएगा, इंसीटू मेथड क्या होती है, स्वस्थानीय संरक्षण की विधि, बायस्थानीय संरक्षण की विधि। उसके बाद प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, भूकंप आएगा, भूकंप से कैसे बचा जा सकता है, सुनामियों से कैसे बचा जा सकता है, ठीक ना, भूस्खलन की प्रक्रिया कहां होगी और इससे निवारण कैसे हो सकता है, ये सारी की सारी चीजें समझनी है। और अगर आप मेरी बात अच्छे सुन रहे हैं तो जितना अभी तक मैंने बताया है ये सारी की सारी चीजें प्रारंभिक परीक्षा में या प्रारंभिक कक्षाओं में आपने पढ़ी होंगी, ठीक ना, सारी की सारी सौर मंडल वगैरह ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा, अक्षांश देशांतर क्या होता है, पृथ्वी गति वगैरह ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा, ठीक ना। इसमें एक क्वेश्चन, एक पोर्शन छूटा है पृथ्वी की गति, पृथ्वी की संरचना भी आता है और पृथ्वी की गतियां भी कई बार यहां से पूछे जाते क्वेश्चन, सबसे बड़ा दिन कहां होगा, सबसे छोटा दिन कहां होगा, ठीक ना। तो विस्तृत पाठ्यक्रम पर चर्चा आपके प्यारे रवि सर ने कर दी होगी और हम अपने पाठ्यक्रम से प्रारंभ करते हैं। और आज मैं आपको जो एक भौकाल वाला सब्जेक्ट होता है या भौकाल वाला एक चैप्टर होता है अक्षांश और देशांतर, यहां से प्रारंभ करते हैं, दो लेक्चर में इसको पूरा कराऊंगा मैं आज अक्षांश और कल देशांतर। और देखिएगा, पकड़िएगा बातों को, कितने अच्छे से, कितने सुगमतापूर्ण आपको ये चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक ना, अक्षांश और देशांतर, ठीक ना। हमारा टॉपिक क्या हो जाता है, हमारा टॉपिक हो जाता है अक्षांश एवं देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक ना, अक्षांश और देशांतर। चलिए, अगर हम अक्षांश की बात करते हैं तो पहले तो हम ये समझते हैं अक्षांश है क्या। वास्तव में अक्षांश पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी है। वास्तव में जो अक्षांश क्या है, पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी, पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा गया। कोणीय दूरी कैसे मापते हैं, आइए माप लेते हैं साथ में मिलकर। यह हमारी पृथ्वी है, यह हमारी पृथ्वी है, और मान लीजिएगा यह आपका सेंटर है, सेंटर है, प्रकाल होता है जिसके द्वारा हम चाप बनाते या कोण बनाने का कार्य करते हैं, प्रकाल के माध्यम से। हमने यहां पर एक प्रकार रखा, इसको हमने ऐसे पहले एक डॉट डॉट ऐसे एक रेखा खींच दी हमने, ठीक ना। हमने यहां पर केंद्र है, मान लीजिएगा इस सेंटर है आपका, और इस सेंटर पर हमने प्रकाल को रखा और प्रकाल से हमने यहां पर एक चाप लगाया और इस वाले भाग को हमने यहां से मिला दिया। प्रकाल के माध्यम से हमने यहां पर एक चाप लगाया और यहां से हमने इसको भी मिला दिया, ठीक ना। तो देखिएगा, कोई ना कोई डिग्री का यहां पर कोण का निर्धारण हुआ होगा। मान लीजिएगा कितना डिग्री है, मान लीजिएगा 30 डिग्री, मान लीजिएगा ये भी कितना है, मान लीजिएगा ये भी 30 है। तो एक बिंदु हमारे पास ए आ गया, एक बिंदु ए आ गया। रेखा खींचने के लिए हमारे पास कम से कम कितने बिंदु होने चाहिए, रेखा खींचने के लिए हमारे पास कम से कम दो बिंदु होने चाहिए। इन दोनों बिंदुओं को हमने आपस में मिला दिया, इन दोनों बिंदुओं को हमने आपस में मिला दिया। जब इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे तो एक अक्षांश रेखा बन गई, और इस अक्षांश रेखा का मान कितना हो गया,
30 डिग्री, क्योंकि पृथ्वी से किस कोणीय दूरी पर मापी गई थी, 30 डिग्री। और अब डिग्री में शब्द यूज कर रहा हूं, तो डिग्री किसकी इकाई होती है, डिग्री जो है वो कोण की इकाई होती है, कोण की सबसे बड़ी इकाई डिग्री, उससे छोटी मिनट और उससे छोटी सेकंड होती है, ठीक ना। तो अक्षांश क्या है, अक्षांश एक कोणीय दूरी है, पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी को अक्षांश नाम दिया गया, ठीक ना। इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारी ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के बीचों बीच से, इस पृथ्वी के बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा खींची गई, काल्पनिक है, आप ये नहीं कह सकते कि सर चलिए बताइए कहां पर ये रेखा, काल्पनिक है। और जो ये रेखा है, इस रेखा का मान है 0 डिग्री अक्षांश, इस रेखा का मान क्या है, इस रेखा का मान 0 डिग्री अक्षांश है, इसी को हम विषुवत रेखा, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम विषुवत रेखा, और इसी को एक नाम और दे दिया जाता है, विषुवत रेखा या कौन सी रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, और इंग्लिश में इसको हम इक्वेटर कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहा जाता है। और अगर आप अच्छे से देखिएगा तो जो इक्वेटर है, ये इक्वेटर इक्वल शब्द से मिलकर बना है, इक्वेटर जो है वो जिस शब्द से मिलकर बना है उस शब्द का नाम है इक्वल, और इक्वल का मतलब क्या होता है, इक्वल का मतलब होता है दो बराबर भागों में विभाजित करना। तो एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को क्षैतिज रूप से, किस रूप से, पृथ्वी को क्षैतिज रूप से दो बराबर भागों में विभाजित करती है, ऐसी रेखा को विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, और इसका मान जो होता है वो 0 डिग्री अक्षांश होता है। अब यहीं पर हम देखिएगा, हम ऐसा भी समझ लेते हैं, यह रेखा किस किस महाद्वीप से होकर गुजरती होगी, यह रेखा किस किस महाद्वीप से होकर गुजरती होगी। दूसरी बात यहां पर एक और कर लेते हैं, अभी मैं आपको एक ट्रिक समझाऊंगा, समझिएगा अच्छे से। दूसरी बात, कौन कौन से देशों से होकर गुजर रही होगी, भाई अगर महाद्वीप से गुजरेगी तो कोई ना कोई देश से भी होकर गुजरेगी, तो समझ लेते हैं, अभी समझेंगे इस बात को थोड़ी देर बाद। इस रेखा के जो ऊपर वाला भाग है तो देखिएगा ये अर्धगोला है, और नीचे वाला भाग भी क्या है, नीचे वाला भाग भी अर्धगोला है। तो जो कर्क रेखा के जो ऊपर वाला अर्धगोला है, इसको नाम दे दिया गया नॉर्थ होमोस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, क्या नाम दे दिया गया, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ होमोस्फीयर। और नीचे वाले भाग को एक नाम दे दिया गया, और नीचे वाले भाग को नाम दे दिया गया दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन हम हर बार उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध शब्द यूज नहीं करेंगे, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम एस से, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन, एन का मतलब उत्तर और एस का मतलब दक्षिण, ठीक है, क्लियर है बात, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं साइड में हो जा रहा हूं। चलिए चलिए देखें, इसी में अब मैं मिटाऊंगा थोड़ी सी चीजों को। ये उत्तरी गोलार्ध, और इस उत्तरी गोलार्ध में यहां पर एक काल्पनिक रेखा होती है, और ये जो रेखा है काल्पनिक रेखा है, और इस रेखा का मान 23.5 डिग्री है, कितना है 23.5। दक्षिणी गोलार्ध में भी एक काल्पनिक रेखा होती है, और दक्षिण गोलार्ध में जो काल्पनिक रेखा है इसका मान भी कितना है, इसका मान भी है 23.5। दोनों में अंतर क्या है, तो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है, और ये 23.5 डिग्री साउथ है। तो जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दे दिया जाता है कर्क रेखा। और जो 23.5 डिग्री एस है इसको एक नाम दे दिया जाता है, 23.5 डिग्री एस को एक नाम दे दिया जाता है, और इसको एक नाम दे दिया जाता है मकर रेखा। तो एक कर्क रेखा हो गई, और दूसरी कौन सी रेखा हो गई, दूसरी एक रेखा हो गई मकर रेखा, ठीक ना, क्लियर। तो कर्क रेखा का मान 23.5 डिग्री नॉर्थ, और मकर रेखा का मान 23.5 डिग्री साउथ, ठीक ना। अगला देखिएगा, यहां पर एक और रेखा होती है, और इस रेखा का मान होता है 66.5 डिग्री, एक उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए हम एन लगाएंगे। और यहां भी एक रेखा होती है, इस रेखा का भी मान है 66.5 डिग्री, अंतर 66.5 डिग्री नॉर्थ है और 66.5 डिग्री साउथ है। तो जो ये 66.5 डिग्री नॉर्थ है इसका नाम है आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त, हम वृत्त बोले क्योंकि पृथ्वी गोल है, और गोल पर जब आप रेखा खींचेंगे तो वह रेखा किसका रूप धारण कर लेती है, वह रेखा रूप धारण कर लेती है हमारी वृत्त का, ठीक ना। और जो 23.5 डिग्री साउथ है इसको एक नाम दे दिया जाता है अंटार्कटिका वृत्त,
क्या नाम दिया जाता है, इसको एक नाम दे दिया जाएगा और इसको नाम दे दिया जाता है अंटार्कटिका। तो एक आर्कटिक वृत्त और दूसरा अंटार्कटिका वृत्त। उसके बाद सबसे ऊपर यहां पर बिंदु होता है एक, और इसका मान 90 डिग्री एन है, और 90 डिग्री एन को एक नाम दे दिया जाएगा उत्तरी ध्रुव। क्या नाम दे दिया जाएगा, उत्तरी ध्रुव। और यहां पर जो है वो 90 डिग्री साउथ है, और 90 डिग्री साउथ को एक नाम दे दिया जाएगा, 90 डिग्री साउथ को एक नाम दिया जाएगा दक्षिणी ध्रुव। तो एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा कौन सा, तो दूसरा दक्षिणी ध्रुव। ठीक ना, ये महत्वपूर्ण अच्छा सा रेखा है। अब बात करते हैं थोड़ा विश्व भूगोल की। देखिएगा, पढ़ाते तो हर कोई है, थोड़ा अलग पढ़ाता हूं मैं आपको, अलग चीजें समझाता हूं ताकि चीजें आपको कंठस्थ हो सके, चीजें आपको समझ में आ सके। कौन से देश आपके, मैं बताया ना विश्व भूगोल भी है, कौन से महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती, बड़ा सिंपल सा है। देखिएगा मैं एक ट्रिक लिख रहा हूं, इस ट्रिक को आपको समझना है, कौन से महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती। देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो मैं सात महाद्वीप होते हैं हमारे, क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में मैं महाद्वीपों का वर्णन कर रहा हूं। अगर क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में लिखे हैं तो सबसे बड़ा महाद्वीप तो हमारा एशिया है, और एशिया के बाद जो दूसरा महाद्वीप है, इस महाद्वीप का नाम हमारा अफ्रीका है, और अफ्रीका के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उसका हमारा नाम उत्तर अमेरिका है, उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका के बाद कौन सा महाद्वीप आ जाता है, तो दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका के बाद कौन सा महाद्वीप है, अंटार्कटिका। लेकिन अंटार्कटिका पर मानव जीवन संभव नहीं है, तो ये अंटार्कटिका है, और अंटार्कटिका के बाद जो आता है वो हमारा यूरोप महाद्वीप है, और यूरोप महाद्वीप के बाद जो महाद्वीप है वो हमारा कौन सा महाद्वीप है, तो यूरोप महाद्वीप के बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया है। यूरोप के बाद कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक ना, हम यहां पर एक ट्रिक लिख रहे हैं, इस ट्रिक का अर्थ आपको अभी समझाएंगे। बाबू मैंने यहां पर एक शब्द लिखा आ, और यहां पर मैंने एक शब्द लिखा मा, यानी आम, यहां पर मैंने लिखा आ और यहां पर मैंने लिखा मा। अंटार्कटिका पर मानव जीवन संभव नहीं है, तो यहां पर हम आम की खेती नहीं करेंगे। उसके बाद यूरोप के सामने हमने फिर से लिखा आ, और ऑस्ट्रेलिया के सामने हमने लिखा मा। तो मैंने तीन बार आम 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 लिख दिया, और इस आम को एक व्यक्ति खाएगा, और इस आम को जो व्यक्ति खाएगा मैं उसका यहां पर नाम लिख दे रहा हूं, उस व्यक्ति का नाम है कवि। कौन खाएगा इसको, तो कवि खाएगा। कौन खाएगा इसको, तो इसको कवि खाएगा। ये ट्रिक हो गई आपकी, ठीक ना। यहां पर अगर हम का की अर्थ बात करते हैं, तो का अर्थ यहां पर कर्क रेखा है, यहां पर का अर्थ क्या है, कर्क रेखा है। मां की बात करते हैं, तो मां का अर्थ यहां पर मकर रेखा है, मां का अर्थ यहां पर क्या है, मकर रेखा है। वी की बात करते हैं, तो वी का अर्थ यहां पर कौन सा ही है, तो वी का अर्थ यहां पर विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा। और आ की अगर बात करते हैं बाबू हम आपसे, तो आ का अर्थ यहां पर आर्कटिक वृत्त है, और आर्कटिक वृत्त का मान 6.5 डिग्री नॉर्थ होता है। लीजिएगा, रेखाएं होंगी कौन से गोया, कौन से महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है, एक शानदार सी ट्रिक है, आएगा कई बार पूछा जाता है। वह कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों महत्वपूर्ण अक्षांश से रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है, तो वह कौन सा महत्वपूर्ण महाद्वीप है जिससे कर्क मकर और विषुवत तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती है, तो महाद्वीप का नाम अफ्रीका। यूरोप महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है, तो यूरोप से कई बार आर्कटिक वृत्त गुजरती है। वह कौन सा महाद्वीप है जिससे केवल मकर रेखा गुजरती है, तो मकर रेखा केवल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक ना, मकर रेखा कहां से होकर गुजरती है, केवल ऑस्ट्रेलिया से। अब इसी के आगे अगर मैं बढ़ूं, तो मकर रेखा का मान 23.5 डिग्री साउथ, मतलब ये दक्षिण में होगा, कर्क रेखा का मान 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी ये उत्तरी गोलार्ध में होगी। ठीक ना, तो इसको बाद में पढ़ेंगे। चलिएगा आगे आइएगा, ये रेखाएं होंगी हमारी। अगर हम काउंटिंग करें कि अक्षांश रेखाओं की संख्या है कितनी, तो इसको विवाद है। ठीक ना, कैसे विवाद है देखिए मैं समझाता हूं। आप बताइएगा, अगर यहां पर जीरो है और यहां पर 90 है, तो कहीं ना कहीं पर जीरो के बाद एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, कहां तक पहुंच जाएंगे हम, 90 तक। तो जीरो है यहां पर, जीरो के बाद कहीं ना कहीं एक होगा, एक के बाद कहीं दो होगा, तीन होगा, कहां तक पहुंच जाएंगे 90 तक, 90 डिग्री नॉर्थ। जीरो के बाद यहां भी नीचे एक होगा, दो होगा, तीन होगा, कहां तक पहुंच जाएंगे 90 तक। तो इस एक से लेकर इस 90 तक कितनी रेखा है, 90। इस एक से लेकर इस 90 तक कितनी रेखाएं, 90। तो एक डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक कितनी रेखाएं, 90 रेखाएं।
और नीचे दक्षिण में भी एक डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक कितनी रेखा 90, तो 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में। तो रेखाओं की संख्या कितनी हो गई 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में, और एक भूल गए कौन सी 0 डिग्री, तो ये भी तो है इसको भी जोड़ लीजिएगा। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या हमारे पास कितनी आ जाती है, हमारे पास अक्षांश रेखाओं की संख्या आ जाती है 181। अक्षांश रेखाओं की संख्या हमारे पास कितनी आ जाती है, तो हमारे पास अक्षांश रेखाओं की संख्या आ जाती है 181। परंतु कहीं कहीं पर ऐसा भी उल्लेख है कि जो 90 डिग्री है N और जो 90 डिग्री S है यानी उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ये वास्तव में एक बिंदु है रेखा नहीं है। तो अगर इन दो को माइनस कर दें, अगर 181 में से हम इन दो को माइनस कर देते हैं तो संख्या निकल के आती है 179। संख्या निकल के आती है 179। अब अगर मान लीजिएगा क्वेश्चन ये पूछता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, एक ऑप्शन है 180, एक ऑप्शन है 179, एक ऑप्शन है 181, एक ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या 182, तो आप 181 लगाइएगा। कौन सा लगाइएगा, आप 181 लगाइएगा, क्योंकि अधिकांश किताब इस बात को मानती हैं, अधिकांश विद्वान इस बात को मानते हैं कि वास्तव में 90 डिग्री N और 90 डिग्री S वास्तव में बिंदु हैं, लेकिन यदि हम इनको बिंदु मान लेंगे तो अक्षांश रेखाओं का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए ना चाहते हुए भी 90 डिग्री N और 90 डिग्री S को हम बिंदु नहीं मानते हैं बल्कि रेखा मानते हैं, बिंदु नहीं मानते बल्कि रेखा मानते हैं। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 हो जाती है, ठीक ना। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाती है आपकी 181, ठीक ना। चलिए दूसरा देखिएगा, अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, अक्षांश रेखाओं के जो बीच का क्षेत्र होता है, अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को एक नाम दिया जाता है, अक्षांश रेखा के बीच के क्षेत्र को कटिबंध इंग्लिश में ZONE जोन कहा जाता है। कटिबंध इंग्लिश में क्या कहा जाता है, जोन। तो दो अक्षांश या कोई भी अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को जोन कहा जाता है, बीच के क्षेत्र को, बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं और कटिबंध को इंग्लिश में ZONE जोन कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद इन अक्षांश रेखाओं के बीच में कुछ ना कुछ दूरी भी होगी, तो दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, दो क्रमागत होनी चाहिए, दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी 111 होती है। क्रमागत का मतलब है कि बाबू अगर एक रेखा एक है तो एक और दो के बीच की दूरी 111 होगी, आप ये नहीं कह सकते कि एक और 90 डिग्री के बीच की दूरी 111 होगी। दो क्रमागत, अगर एक रेखा तीन है तो तीन और चार के मध्य में 111 किलोमीटर की दूरी होगी, और तीन और दो के मध्य में भी 111 किलोमीटर की दूरी होगी, तीन के पहले दो आएगा और तीन के बाद चार, तो क्रम से होनी चाहिए क्रमागत। तो दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है, ठीक ना। इसी बात हो गई। अब अगला देखिएगा, कटबंध, हमें कटबंध समझने हैं, कटबंधों को समझते हैं। तो देखिएगा मैं एक ही डायग्राम में समझा देता हूं, बड़ा सा बनाता हूं। चलिए देखिए, इतना बड़ा बना दिए और यहां पर एक रेखा है, इस रेखा का नाम है विषुवत रेखा, यहां पर एक रेखा है और यहां पर जो रेखा है इस रेखा का नाम है विषुवत, विषुवत रेखा, और यहां पर एक रेखा है, इस रेखा का नाम है कर्क, और कर्क रेखा ना लिख के हम मां लिखते हैं इसका 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यहां पर एक रेखा है मकर 23.5 डिग्री साउथ। तो बाबू जो आप देख रहे हैं ना 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ का, तो इस बीच वाले क्षेत्र को कर्क रेखा से मकर रेखा के इस बीच वाले क्षेत्र को एक नाम दे दिया जाता है, और इस बीच वाले क्षेत्र को एक नाम दे दिया जाता है, और नाम दे दिया जाता है उष्ण कटबंध। क्या नाम दिया जाता है, उष्ण कटबंध, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा तक के क्षेत्र को हम उष्ण कटबंध के नाम से जानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर आर्कटिक वृत्त है, आर्कटिक वृत्त का मान होता है 6.5-6.5 डिग्री नॉर्थ, और यहां पर अंटार्कटिका वृत्त है 6.5-6.5 डिग्री साउथ, ये नॉर्थ है ये साउथ है। तो 23.5-6.5 के बीच का जो क्षेत्र होता है इसको हम उपोष्ण या शीतोष्ण कटबंध कहते हैं,
क्या कहते हैं, उपोषण या शीतोष्ण कटिबंध। तो अगर आपसे पूछा जाए उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध कहां से कहां तक होता है, तो 23.5 से 66.5 डिग्री के मध्य, तो 23.5 से 66 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र है इसको हम उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है भाई, ए साउथ में है तो यहां पर हम लगा लेंगे दक्षिणी उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध, और ए उत्तर में है इसलिए हम इसको नाम दे देंगे उत्तरी उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। तो शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार कहां से कहां तक है, 23.5 से 66, अगर उत्तर में तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिण में तो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। उसके बाद 66.5 डिग्री एन है और यहां पर 90 डिग्री एन, यहां पर 66.5 डिग्री एस है और यहां पर है 90 डिग्री एस। तो 66.5 से 90 डिग्री का भाई का क्षेत्र, 66.5 से 90 डिग्री के बीच वाले क्षेत्र को एक नाम दे दिया जाता है, और नाम दे दिया जाता है शीत फ्री जोन, शीत कटिबंध। क्या नाम दिया जाता है, शीत कटिबंध। ये हो गया आपका उत्तरी शीत कटिबंध, और यहां पर कौन सा हो जाता है, तो यहां पर हो जाता है हमारा दक्षिणी शीत कटिबंध। कौन सा, दक्षिणी शीत कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध। तो अब इसी में उपोषण ठीक ना, समशीतोषण भी होते हैं, हमने मुख्य मुख्य आपको बताए 23.5 से 66 ठीक ना, सॉरी 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध, 23.5 से 66 को शीतोष्ण या उपोषण कटिबंध, और 66.5 से 90 डिग्री के क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, तो हम नाम दे देते हैं शीत कटिबंध। चलिए उपोषण कटिबंध, उपोषण उष्ण का अर्थ क्या है, उष्ण का मतलब गर्मी और शीत का मतलब ठंडी। हमारी पृथ्वी वास्तव में ऐसी नहीं है, बल्कि हमारी पृथ्वी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, हमारी पृथ्वी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और 23.5 डिग्री झुके होने के कारण ही 23.5 से लेकर 23.5 डिग्री तक के क्षेत्र में जो है वो वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जबकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपतन कोण के मान में वृद्धि होती जाएगी और सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इसलिए 90 डिग्री एन जहां पर उत्तरी ध्रुव है और जहां पर दक्षिणी ध्रुव है, यहां पर टेम्परेचर सूर्य की किरण ना पहुंचने के कारण टेम्परेचर कम पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, टेम्परेचर कम। अब एक प्रश्न आता है, आखिर हम अक्षांश रेखा पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर हम अक्षांश रेखा पढ़ते क्यों हैं। तो पहला क्वेश्चन तो बड़े मजेदार है, क्योंकि सर हमारे सिलेबस में इसलिए पढ़ रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन, इनसे हम किसी भी स्थान का तापमान की गणना करते हैं, और तापमान के द्वारा हम कई सारी चीजों की गणना कर लेंगे, वर्षा, वहां की वनस्पति आदि चीजों की हम काउंटिंग कर लेते हैं। कैसे, विषुवत रेखा से आप या तो ऊपर की ओर जाइएगा यानी 90 डिग्री एन की ओर, या विषुवत रेखा से 90 डिग्री एस की ओर जाइएगा। विषुवत रेखा से या तो आप 90 डिग्री एन की ओर जाइएगा या 90 डिग्री एस की ओर जाइएगा, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं, और सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण तापमान में कमी आती है। मतलब विषुवत रेखा पर टेम्परेचर सबसे अधिक पाया जाएगा, और 90 डिग्री एन, यहां पर 90 डिग्री एन बना दे रहा हूं, यहां पर भी कम पाया जाएगा, और 90 डिग्री एस यहां भी टेम्परेचर कम पाया जाएगा, ठीक ना। तो विषुवत रेखा पर तापमान अधिक, और 90 डिग्री एन और 90 डिग्री एन यानी ध्रुवों पर तापमान कम पाया जाएगा। तो इसी के लिए मैंने आपको, किसी किताब में नहीं मिलेगा, मैंने खुद एक फॉर्मूला जनरेट किया है, और उस फॉर्मूले को आप लगाइएगा, आप टेम्परेचर की गणना कर लेंगे, अक्षांश रेखाओं के आधार पर आप तापमान की गणना कर लेंगे। फॉर्मूला बताता हूं, पहले मैं फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, फॉर्मूला है अक्षांश रेखा का मान, अक्षांश रेखा का मान, और जो अक्षांश रेखा का मान है इसका विपरीत संबंध होता है 1/तापमान से, इसका विपरीत संबंध होता है 1/तापमान से, अक्षांश रेखा का मान का विपरीत संबंध होता है 1/तापमान से। मतलब यह है कि यदि अक्षांश रेखा का मान बढ़ेगा तो तापमान घटेगा, विपरीत भाई, और यदि अक्षांश रेखा का मान घटेगा तो तापमान बढ़ेगा, इतनी सी बात है। अक्षांश रेखा के मान का विपरीत संबंध होता है तापमान से। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कह रहा हूं कि ए नाम का एक शहर है, ए नाम का एक कोई शहर है, शहर ए, और एक शहर है बी। ए शहर से होते हुए 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, और बी शहर से होते हुए 90 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। समय की गणना, सॉरी
बताइए कहां पर तापमान अधिक और कहां पर तापमान कम। तो देखिएगा आपको इन दोनों में तुलना कर लेनी है, इन दोनों में आपको कंपैरिजन कर लेना है किसका मान अधिक और किसका मान कम, यानी कौन किसका मान छोटा है और किसका मान बड़ा है। तो आप देख रहे हैं जीरो डिग्री का मान 90 डिग्री की अपेक्षा छोटा है और 90 डिग्री का मान जीरो डिग्री की अपेक्षा अधिक है। तो यदि जीरो डिग्री का मान 90 की अपेक्षा कम है, यानी अक्षांश रेखा का मान यदि कम है, तो निश्चित रूप से यहां का तापमान अधिक होगा। और दोनों में यदि इसका मान अधिक है, इसकी तुलना में ये अधिक है, तो यदि अक्षांश रेखा का मान अधिक है तो तापमान कम होगा, यानी जीरो डिग्री पर तापमान अधिक होगा, 90 डिग्री पर तापमान कम होगा। बाबू यही तो मैं बता रहा हूं आपको कि विषुवत रेखा पर तापमान अधिक होगा और 90 डिग्री पर तापमान क्या होगा, 90 डिग्री पर तापमान कम होगा। तो कोई भी दो अक्षांश रेखा दी जाएंगी आपको, वहां पर उनकी वैल्यू को रखिएगा और टेम्परेचर ज्ञात कर लीजिएगा। अगला देखिएगा इसी में, मान लीजिएगा अब मैं आपसे कहूं कि एक एक्स नाम का शहर है और एक वाई नाम का शहर है, एक्स शहर, शहर एक्स, और एक मैं कहूं आपसे शहर वाई। तो शहर एक्स की मैं कहता हूं अक्षांश रेखा 8 डिग्री है और मैं कहता हूं शहर वाई की अक्षांश रेखा 37 डिग्री है। बताइएगा कहां पर टेम्परेचर अधिक और कहां पर टेम्परेचर कम। तो आप अगर देखेंगे दोनों में अगर तुलना करेंगे तो 8 का मान 8 छोटा है, यानी एक्स शहर की वैल्यू छोटी है। तो यदि अक्षांश रेखा का मान छोटा है तो यहां पर टेम्परेचर अधिक होगा और इसका मान इसकी तुलना में अधिक है, तो यदि इसका मान अधिक है तो यहां पर टेम्परेचर कम होगा। यही तो मैं कह रहा हूं, आप बताइएगा आप जीरो डिग्री से ऊपर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको 8 मिलेगा और कहीं ना कहीं आपको 37 मिलेगा। तो जीरो डिग्री से जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे तापमान में कमी आएगी, 8 डिग्री पर अधिक टेम्परेचर और 37 डिग्री पर कम टेम्परेचर। क्या आप जानते हैं जो हमने 8 डिग्री और 37 डिग्री जो अक्षांश रेखा बनाई है वो कहां की है। तो वो एक अक्षांश रेखा भारत के सबसे निचले पायदान से गुजरती है, इस रेखा का मान है 8 डिग्री 4 मिनट, और एक सबसे ऊपरी पायदान से गुजरती है जब लद्दाख के क्षेत्र से अब, जिसका मान है 37 डिग्री 6 मिनट। ये भारत के दो अक्षांश रेखाएं हैं, इन्हीं अक्षांश रेखाओं के मध्य भारत है। तो यहां पर टेम्परेचर अपेक्षाकृत अधिक होना चाहिए और यहां पर टेम्परेचर कम। अगर इस वाली रेखा की बात करते हैं तो वर्तमान में लद्दाख में पहुंच गया, लद्दाख में से होकर गुजरती है, और ये कहां से होकर गुजरती है, ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी से होकर गुजरती है। बताइएगा तमिलनाडु और लद्दाख में से कहां का टेम्परेचर अधिक, तो तापमान कहां का टेम्परेचर अधिक, तमिलनाडु का, और लद्दाख का, लद्दाख का कम। कहा जाता है लद्दाख के कम तापमान होने का मुख्य कारण है लद्दाख उच्च अक्षांशों में है। जो भी शहर जो भी देश उच्च अक्षांश में स्थित होंगे वहां का टेम्परेचर अपेक्षाकृत कम पाया जाएगा, और जहां के शहर जहां के देश निम्न अक्षांश में होंगे वहां का टेम्परेचर अधिक पाया जाएगा, क्योंकि यदि मान छोटा है निम्न है तो तापमान अधिक होगा। चलिए अब इसी को और समझाते हैं हम आपको, ठीक ना, कि आप कोई भी परीक्षा दें आपके प्रश्न गलत ना हो। अगला देखिएगा तापमान, तापमान यदि अधिक होगा कहीं का, तापमान यदि अधिक है तो निश्चित रूप से है कि वहां का जल जो होगा वो जल गर्म हो जाएगा, और जब यहां का जल गर्म हो जाएगा तो गर्म जल से क्या होगा, गर्म जल से बाष्पीकरण होगा, और जब गर्म जल का बाष्पीकरण होगा तो बाष्पीकरण से किसका निर्माण हो जाएगा, बादल का, और जब यहां से बादलों का निर्माण हो जाएगा तो यहां से किसकी क्या हो जाएगी, वर्षा। मतलब यह है कि तापमान का वर्षा से सीधा संबंध होता है, जहां पर वर्षा अधिक वहां पर तापमान अधिक। तो यदि मैं कहूं कि विषुवत रेखा पर तापमान अधिक है तो सीधी सी बात है कि विषुवत रेखा पर अधिक मात्रा में वर्षा होगी, सीधी सी बात है ना। तो जहां का तापमान अधिक वहां की वर्षा अधिक, लेकिन वर्षा को प्रभावित करने वाला एकमात्र कारक तापमान नहीं है। नहीं तो आप कमेंट करेंगे सर राजस्थान में तो तापमान अधिक होता है फिर वर्षा क्यों नहीं होती है, और भी कई सारे फैक्टर होते हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर तापमान ही होता है, ठीक ना। अब देखिएगा अगर मैं कहूं कि तापमान तो अधिक है लेकिन पानी भी तो होना चाहिए, तभी तो भाई वाष्पीकरण होगा, तभी तो पानी गर्म होगा, तो पानी भी तो होना चाहिए। तो अब अगला बताइएगा आप, आपके पास मान लीजिएगा ये दो गमले हैं आपके पास, एक गमला ये हो गया और दूसरे गमला ये हो गया। इस गमले में आप कभी पानी नहीं डालते हैं जबकि इस गमले में आप डेली पानी डालते हैं। जिस गमले में आप डेली पानी डालते हैं बताइएगा वहां की वनस्पति सघन पाई जाएगी या विरल,
वहां पर वनस्पति की अधिकता पाई जाएगी या न्यूनता पाई जाएगी। तो सीधी सी बात है, अगर जहां पर वर्षा लगातार होती रहेगी वहां की वनस्पति अधिक मात्रा में पाई जाएगी। तो यानी जहां पर वर्षा की मात्रा अधिक होगी वहां पर वनस्पति की भी मात्रा अधिक होगी। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला मिल गया, और फॉर्मूला हमें क्या मिला कि तापमान का सीधा संबंध होता है वर्षा से, और वर्षा का सीधा संबंध होता है वनस्पति से। जहां का तापमान अधिक वहां की वर्षा अधिक, वहां की वनस्पति अधिक, वनस्पति अधिक मतलब वनस्पति की सघनता, और जहां पर तापमान कम वहां की वर्षा कम, और वहां पर वनस्पति की क्या पाई जाएगी, कमी यानी विरलता पाई जाएगी। ठीक ना। चलिए अगला देखिएगा, अगर वर्षा अधिक हो रही है, नेक्स्ट पेज ले लेता हूं मैं, अगर वर्षा अधिक होगी तो सीधी सी बात है फसलों का उत्पादन, फसलों का उत्पादन क्या होगा, अगर वर्षा अधिक है तो फसलों का उत्पादन भी अधिक होगा, और फसल के द्वारा हमें किसकी प्राप्ति होगी, तो फसल के द्वारा हमें प्राप्ति हो जाएगी कच्चे माल की, और जहां पर कच्चा माल पाया जाएगा वहां पर हम किसका विकास कर देंगे, वहां पर हम लगा देते हैं इंडस्ट्री, उद्योग। उद्योग तीन स्थानों पर लाया जा सकता है, कच्चे माल के पास, या ईंधन के पास, ईंधन के पास, या बाजार के समीप। आमतौर पर बाजार के समीप ऐसे उद्योग लगाए जाते हैं जिनसे किसी भी प्रकार की पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न ना हो, और ऐसे उद्योग लगाए जाते हैं बाजार के समीप जिनमें निर्मित होने वाला प्रोडक्ट को जल्दी से बाजार पहुंचाया जा सके, वहां पर किसी भी प्रकार की देरी होने पर वो प्रोडक्ट खराब ना हो पाए, जैसे पनीर केंद्र, जैसे डेयरी उद्योग हो गया, तो बाजार के समीप लगाए जाते हैं। ठीक ना। अब बताइएगा, यदि वर्षा अधिक हो रही है तो, वर्षा अधिक हो रही है तो फसलों का उत्पादन अधिक, और फसलों का उत्पादन अधिक हो रहा है तो फसलों से हमें कच्चे माल की प्राप्ति होगी, और कच्चा माल होने पर यहां पर उद्योग, और उद्योगों में कार्य करने के लिए श्रम होगा, श्रमिक वहीं पर निवास करेगा, और इस श्रमिक को किसकी प्राप्ति हो जाएगी, इस श्रमिक को प्राप्ति हो जाएगी रोजगार की। तो रोजगार वहीं पर मिलेगा जहां पर तापमान अधिक यानी वर्षा की मात्रा अधिक होगी। एक से एक पहलू को जोड़ना है। जम्मू कश्मीर में रोजगार के संसाधन कम है, क्यों, कारण आपके सामने है, वर्षा नहीं होती है। कहीं आपने कभी सुना है कि जम्मू कश्मीर किसी भी खाद्यान्न फसल, चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, किसी के भी उत्पादन में जम्मू कश्मीर आगे रहा हो? नहीं। क्यों? पहली बात तो पर्वतीय क्षेत्र जम्मू कश्मीर हमारा, और दूसरी बात वर्षा नहीं हो पाती, टेम्परेचर कम होता है। अब समझिएगा, यदि एक व्यक्ति है जिसको एक उद्योग में कार्य मिला हुआ है, वो वहां पर कार्य कर रहा है, कुछ समय के बाद पैसे की अर्निंग जब अच्छी होने लगेगी, शादी विवाह करेगा अपना, और शादी विवाह करने के बाद उसी उद्योग के पास वहीं पर आकर अपना निवास स्थान बनाएगा, वहीं पर रहने लगेगा। मतलब ये है कि जहां पर श्रमिक को रोजगार मिलेगा वहीं पर श्रमिक अपना आवास बनाएगा, आवास बनाएगा यानी उस स्थान की जनसंख्या में क्या हो जाएगी, उस स्थान की जनसंख्या बढ़ जाएगी, उस स्थान की जनसंख्या में क्या हो जाएगी, उस स्थान की जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो यहां से हम जनसंख्या पढ़ लेंगे, भाई जनसंख्या कहां अधिक पाई जाएगी, जहां पर लोग को रोजगार मिलेगा। इलाहाबाद शहर एक ऐसा शहर है जहां पर एक कहावत है कि ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं लेकिन कमरा नहीं मिलता, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे कोई हो, ढूंढने से इलाहाबाद शहर में कमरा नहीं मिलता है, क्योंकि यहां की जनसंख्या अधिक है। स्टूडेंट के साथ साथ लोकल के लोग भी यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में रहते हैं। ठीक ना। तो वर्षा अधिक, फसलों का उत्पादन अधिक, कच्चे माल की प्राप्ति, कच्चे माल की प्राप्ति पूरा लिख लेते हैं, कच्चे माल की प्राप्ति, और कच्चे माल की प्राप्ति होगी तो उद्योग लगाएंगे, और उद्योगों से मैं सिर में कार्य करेगा, उसको रोजगार मिलेगा, और जहां पर रोजगार मिलेगा वहीं पर अब वो कुछ दिनों के बाद अपने आवास का निर्माण करेगा, तो वहां की निश्चित तौर पर जनसंख्या बढ़ जाएगी। अक्षांश रेखा क्यों पढ़ते हैं, इसलिए अक्षांश रेखाओं का अध्ययन किया जाता है। समझ में आई क्लास।